डर स्टूडेंसिया जैसे आपको पता ही चला होगा कि यहाँ पे दैकिन वर्ल्ड इस चैप्टर का नाम है तो ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम मतलब ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो हमारी ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस है इस वक्त वर्ल्ड में इकोनॉमीर्स पॉपुलेशन वगैरह या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड वगैरह होता है गुड्स का सर्विसेज का टेक्नोलॉजीज़ का जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे दु, के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें लगता है शायद आ ये जो हम कह सकते हैं ग्लोबली जो ट्रेड वगैरह ये लिंक्स आपस में बढ़ गई है ये पचास सालों की है लेकिन अगर हम बात करें आ पुराने ज़माने से ही इस तरह के एक्सचेंजेस होते आ रहे हैं जैसे हम अभी टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ट्रेड होता था पुराने ज़माने से माइग्रेशन होती थी लोगों के दरमियान लोगों की एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह और इसके अलावा मोमेंट ऑफ कैपिटल पैसे इन्वेस्ट वगैरह किए जाते थे उसके लिए हम एग्ज़ाम्पल्स भी देंगे तो एनशेंट टाइम से ही जो ट्रैवलर्स ट्रेडर्स टूरिस्ट पिलग्रम्स वगैरह ट्रैवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंस जिसके लिए हिस्ट्री में भी हमारे पास बहुत सारे सबूत है जैसे फ़हीन ह्यूमसंग जो कि चाइना से यहाँ पे आए थे एंशंट टाइम में और उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के रिलेटेड बहुत कुछ लिखा है इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनके वक्त उनका जो एक हम कह सकते हैं राइटर साथ में क्रॉनिकलर जिसका नाम पर मैगस्थिन उन्होंने भी एक बुक लिखी थी इंडी का तो अब ये जो ट्रैवलर्स वग़ैरह या हम कह सकते हैं मिशनरीज वग़ैरह आते थे वो अपने साथ मनी वैल्यू, स्किल आइडियाज़ इन्वेशनज या इवन जर्मस या डिजीज भी अपने साथ लाते थे फॉर एग्जांपल एक इलाके के लोगों को अगर किसी डिजीज़ या हम कह सकते हैं कि किसी वायरस या बैक्टीरिया की इम्यूनिटी होती थी लेकिन जब वो दूसरे इलाके में जाते थे तो उन लोगों को इम्यूनिटी नहीं होती थी तो वो बीमारियां भी फैल सकती थी तो उसके लिए एक ताज़ा उदाहरण है जैसे कि कोरोना वायरस तो चाइना के एक शहर में ये वायरस इस वायरस ने जन्म लिया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में ये फैला आ, तो यहाँ पे अगर हम देखें एनशेंट टाइम से जो हम ट्रेड की एग्जाम्पल दे रहे हैं थ्री थाउजेंड बी सी ई पहले अगर हम देखें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वेस्ट एशिया के साथ उनके ट्रेड लिंकस थे इसके लिए हमें सबूत मिला गुजरात के एक इलाके में जो कोस्टल एरिया है लोथल उसका नाम है तो वहाँ पे उस वक्त का एक डॉक यार्ड मिला है जहाँ से चीज़ें यहाँ से उधर ले जाती दी जाती थी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील स्टैंप इस्तेमाल होती थी वो मेसोपोटामिया में भी मिली मेसोपोटामिया करंटे इराक को बोलते हैं इसी तरह से मालदीव जो इंडिया के साउथ में एक आइलैंड कंट्री है वहाँ से काउडीज चाइना और ईस्ट अफ्रीका वगैरह ली जाती थी तो जिनको हम कह सकते कमोडिटी मनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था इसके अलावा वर्ल्ड सबसे मेन uh, रूट जो इसके लिए इस्तेमाल होता था वो था रूट तो स्लिक रूट क्या था एक्चुअली में जो चाइनीज पीपल थे उन्होंने सिलिक बनाने का जो हम कह सकते हैं राज था उसको काफ़ी सदियों तक अपने पास छुपा के रखा था बाकी दुनिया को इस बारे में पता नहीं था तो इसलिए यूरोप या एफ, जो ईस्टर्न अफ्रीका था या साउथ ईस्टर्न जो एशिया था उनको इस बारे में पता नहीं था तो वो चाइना से सिल्क वगैरह मंगवाते थे अब जिन जिन इलाकों से जिन रूट्स का इस्तेमाल इस सिलिक ट्रेड के लिए हुआ उनको सिल्क रूट्स कहा जाता है लेकिन ये सिलिक रूट्स आ, मतलब एक या दो नहीं थे बहुत सारे थे आ, बाई सी और बाय लैंड भी ये सी रूट्स थे आ, जो लिंक करते थे यूरोप तक एशिया से और इसके अलावा जिसमें साउथ चाइना सी के थ्रू अलग अलग इलाकों में जैसे कि साउथ ईस्ट चाइना इसके अलावा सारी साउथ ईस्ट एशिया इसके अलावा ईस्टर्न अफ्रीका अरबियन कंट्रीज़ वग़ैरह के साथ भी ये ट्रेड लिंक्स थी इसके अलावा अगर हम बात करें इन सिल्क रूट्स के थ्रू चाइनीज पोटरी इंडियन स्पाइस इंडियन टेक्सटाइल्स वगैरह भी ट्रेड होते थे और वापस क्या आते थे वापस प्रशस मेटल जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह यूरोप से एशिया आते थे तो क्रिश्चियन मिशनरीज मुस्लिम टीचर्स या इसके अलावा जो बुद्धज़म वगैरह इमर्ज हुआ ईस्टर्न इंडिया में ये अलग अलग डायरेक्शन में फैलने लगे ये रिलिजन वगैरह मिशनरीज के थ्रू इसके अलावा फूड ट्रावल पैकेट एंड पोटेटो तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फूड की भी अपनी हिस्ट्री है अगर हम बात करें जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो वो अपने साथ नए नए क्रॉप्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करते थे नई नई लैंडस्केप ज़रिए हम कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में कुछ स्पाइस थे यहाँ के जब ट्रेवलर यहाँ से ट्रैवलर्स निकले वो दूसरी जगहों पे गए तो उन्होंने वो स्पाइस इंट्रोड्यूस किए इसी तरह से जो दूसरी जगहों के फूड्स वगैरह थे उन लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए तो यहाँ पे अगर हम देखें देखे या नूडल्स तो इनका कॉमन ऑरिजन है कहा जाता है कि ये चाइना में बिलीव किया जाता है कि ये चाइना में इनका इनकी शुरुआत हुई थी और ये बाद में यूरोप जाकर स्पैगेटी बनी इसी तरह से अरब ट्रेवलर्स ने पास्ता जो है फिफ्थ सेंचुरी में सिसली स्ली टू जो इटली के दो आइलैंड से तो वहाँ पे लिए थे उसके बाद और उनका ये हम कह सकते हैं बाद में स्टैपल फूड बना इसी तरह से बहुत सारे जो कॉमन फूड्स है पोटेटो सोया ग्राउंड नट्स मीज टमेटो चिल्ली स्वीट पोटेटोज ये हमारे एनसटर्स को पता भी नहीं थे लेकिन ये कब पता चले जब क्रिस्टोफर कोलम्बस ने एक्सीडेंटली अमेरिका को डिस्कवर किया तो वहाँ पे ये सारे मतलब वेजिटेबल वग़ैरह या जो फूड ग्रेन थे ये वहाँ पे मिले उसके बाद ये बाकी दुनिया में फैलने लगे आ, तो उसके बाद अगर हम देखें अमेरिका औरजिनल जो हम कह सकते इनहेबिटेंट्स थे उनको अमेरिकन इंडियंस भी कहा जाता है एक्चुअली में क्रिस्टोफर कोलम्बस ने अगर हम बात करें अमेरिका को डिस्कवर किया था 1492 में और उसके बाद अगर हम बात करें गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था जो सी रूट था 1498 में तो इस दौरान हम कह सकते हैं कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गई काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करने लगे ट्रेड करने लगे माइग्रेशन होने लगे उसके बाद दुनिया की तस्वीर बदलने लगी समटाइम्स द न्यू क्रॉप कूड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ अगर हम बात करें यूरोप में जो लोग थे तो उन्होंने आ, हम्बल पोटैटो को जो ना ख़ास तौर पे आयरलैंड के लोग उन्हें आ, जो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे पोटेटोज पे तो पोटेटोज़ का इस तरह से इस्तेमाल होने लगा कि वहाँ पे नाइनटीन फोटीज़ में जब डिस डिजीज वहाँ पे आ, उन क्रॉप्स में हुई आलू की क्रॉप में तो वहाँ पर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग स्टारवेशन की वजह से मरे तो कहा जाता है ड्यूरिंग uh, द ग्रेट इरिश पोटेटो फेमाइन जो 1845 से 1849 तक चला तकरीबन तकरीबन 10 लाख लोग वहाँ पे स्टारवेशन की वजह से मरे और उसके बाद uh, इससे डबल इसका मतलब 20 लाख के लोग uh, फिर आयरलैंड से निकल कर जगहों पे वो काम की तलाश में निकल पड़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फूड है इस पर भी लोग अगर डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं उसकी वजह से आ, कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है इसलिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स वग़ैरह होने चाहिए कनक डिजीज एंड ट्रेड तो जब हम अमेरिका को आ, डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलम्बस ने उसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ की तरफ बढ़ने लगे और वहाँ के वास्ट रिसोर्स को देख कर इन लोगों में लालच बढ़ने लगी और ख़ास तौर पर ये अफवाहें फैलने लगी कि वहाँ पे साउथ अमेरिका में अल्डेरेडो एक खजाना छुपा हुआ है उसकी तलाश में बहुत सारे लोग निकले खास तौर पे पुर्तगाल और स्पेन ने वहाँ पे साउथ अमेरिका में कॉलोनीज़ बनाने के लिए वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनके साथ हम कह सकते हैं जंग करने की कोशिश की तो अगर हम बात करें इसमें फायर पावर या हम कह सकते हथियार गन वग़ैरह यूरोपियंस के पास पहले से थे लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ ऐसे जर्म स्माल पॉक्स का इस्तेमाल किया जिसके ज़रिए उन्होंने उनकी कॉलोनीज़ को साफ किया क्योंकि यूरोपियज़ को स्मॉलपॉक्स की इम्यूनिटी थी लेकिन अमेरिका के नेटिव लोगों को इस किस्म की बीमारी की इम्यूनिटी नहीं थी तो वहाँ पर जब इस कस्म का पर्सन इसको ये बीमारी पहले से थी जब उनकी कॉलोनियों में गया तो वहाँ पे ये जंगल की आग की तरह ये बीमारी फैली और वहाँ पे लोग मतलब कॉलोनीज़ की कॉलोनी साफ़ हो गई तो हथियारों वग़ैरह के साथ तो लड़ा जा सकता है लेकिन बीमारी के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पे कॉलोनियस बनाई इसके अलावा अगर हम बात करें नाइनटीन सेंचुरी जो यूरोप था कहा जाता है कि नाइनटीन सेंचुरी से पहले यूरोप काफ़ी ज़्यादा गुर्बत में था आ, जो वहाँ पे सिटीज़ वग़ैरह थी ओवर थी आ, वहाँ पे आम बीमारियाँ वग़ैरह थी लेकिन उसके बाद जब इंडस्ट्रलाइजेशन धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ने लगी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगी तो नाइनटीन सेंचुरी में इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सोशल कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरेक्ट करने लगे जिससे सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं रेवोल्यूशन हो गई गे गे जो गे जो जो तो उनकी रिलेशनस बढ़ने लगी तो इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ मोमेंट्स तो इस दौरान तीन किस्म के मूवमेंट्स विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज बढ़ने लगे उसमें से अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लो ऑफ ट्रेड था दूसरा फ्लो ऑफ लेबर था माइग्रेशन जो लोग एक जगह से दूसरी जगह करते थे इसके अलावा थर्ड मोमेंट ऑफ़ कैपिटल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लोग करने लगे ये जो तीन फ्लोस थे इन्होंने लोगों की ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा असर डाला ख़ास तौर पे जो ट्रेड और कैपिटल था ये जो इन्वेस्टमेंट्स थी इससे काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं यूरोपियन को फ़ायदा पहुंचा क्योंकि यूरोप को तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगने लगा इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह में काम करने लगे लोग लेकिन जो फूड वगैरह है वो दूर दराज इलाकों से आने लगा उसके लिए जब उन्होंने पहले से ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए थे अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में फूड प्रोड्यूस किया जा रहा था यूरोपियन पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए तो इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा इनको इसके अलावा रॉ मटेरियल वगैरह भी कॉलोनीज़ वग़ैरह से हासिल करते थे आ, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड वग़ैरह था वो उस वक्त प्राइमरी प्रोडक्ट्स का भी का ही होता था इन बाकी के टॉपिक्स टौक, अगले वीडियो में कवर करेंगे तब तक के लिए स्टे सेफ सेफमान